एवरीवन, तो मेरा नाम है रंजन। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो स्वागत है फिर से एक और नवी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ सन एंड सैंड स्पोर्ट और एक फैक्ट्री आउटलेट है, वहाँ पर काफ़ी प्रोडक्ट मिल जाता है। तो मुझे आज प्रोडक्ट देखना है, वहाँ पर लेना है मुझे शूज़। तो मैं बेसिकली मैं जा रहा हूँ शूज़ लेने के लिए। तो देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट मिल जाता है, कितने सस्ते में मिल जाता है, उसी आउटलेट में जाता हूँ मैं। तो यहाँ से नज़दीक है, 10 से 15 मिनट का रास्ता है। तो वह सामने सिटी सेंटर मॉल भी है, सिटी सेंटर मॉल के आसपास है। तो वही मुझे पता है, लोकेशन एग्जैक्टली नहीं पता, तो जाके पता चलेगी। सो ये मेन रोड का व्यू कुछ ऐसा ही है, आप लोग देख सकते हैं। और ये बस स्टैंड इधर ही है, सामने वाला बस स्टैंड है सामने। उधर ही खड़े रहते हैं ना, चलो उधर ही जाते हैं। बस आ गई भाई, चलो। पूछ लेना, ठीक है। बस आ गई यार, हम लोग लेट हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। सिटी सेंटर जाएगा, आ जाएगा भाई। लो पैसे दे दो, टिकट ले लो। उधर कोई बात नहीं, आसपास है, सिटी सेंटर के आसपास है। उधर से सन एंड सैंड स्पोर्ट ज्यादा दूर नहीं है ना, पता नहीं, नहीं पता। कोई बात नहीं, सिटी सेंटर तक हम उधर ही उतर जाएंगे। लेबर ऑफिस है, ओके। लेबर ऑफिस में उतरना पड़ेगा कह रहा है। गाइस, अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं, देखते हैं यहाँ से 10-15 मिनट का आई थिंक लगेगा हमें टाइम। तो वहाँ पर वहाँ से और हमें टैक्सी लेने की ज़रूरत होगी, या हम लोग पैदल जा सकते हैं तो पैदल ही जाएंगे। इधर ही बताया भाई, सुनो जी। ये है सन एंड सैंड स्पोर्ट्स फैक्ट्री आउटलेट है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं अभी फिलहाल, तो अभी अंदर जाते हैं, अंदर जाके अभी वो करते हैं शेयर एक्सपीरियंस। तो अभी फिलहाल हम लोगों को उतार दिया गया था, मतलब उतरे थे हम लोगों ने, ऑलरेडी बस वाले ने बोला था उस साइड में, ये जो ओवर ब्रिज है उसके उस पार में उन्होंने बोला था कि इधर उतरना पड़ेगा, क्योंकि शायद बस का रोड जो है वो भैया सच कह रहा था कि बस का रोड अलग का मतलब दूसरी रोड से जा रहा था, इसलिए हमें वहाँ से वहाँ पर पहले ही उन्होंने बता दिया था। तो अभी हम लोग पहुँच गए, अभी देखते हैं यहाँ पर मैं अंदर की ओर जाता हूँ। ये है फैक्ट्री आउटलेट, तो ये एक ही फ्लोर का है, आई थिंक दो फ्लोर का है। पूरा इधर सूच, इधर पूरा सूच ही सूच लगा हुआ है। ये अपना खुद का ब्रांड भी होगा शायद, और इस साइड में देखोगे तो आपको मिलेगा ब्रांडेड वाला सूच नाइकी का। हाँ जी, इधर इधर इधर, ये साइजेस वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है। साइज यहाँ से अगर आपको पता नहीं चल रहा तो साइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरा साइज है। हाँ जी भाई, कहाँ है जो नाइकी भाई की, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, पूरा मिक्सअप है क्या? एडिडास, नाइकी, ये रिबोक का दिख रहा है। देखो दाम तो ये है 350,
देखो एडिडास का ये जूता मुझे बहुत नेट में भी देखा था, बड़ा खास जूता लगा था मुझे। कितना है इसका प्राइस? 300। बहुत खास लगा था प्राइस तो अभी डिस्काउंटेड में है भाई, अभी तो डिस्काउंट चल रहा है, ये तो हमेशा यहाँ पर डिस्काउंटेड रहता है ना, ये जूता काफी अच्छा है, हमेशा डिस्काउंटेड रहता है यार यहाँ पर ऑनलाइन से। तुम्हारा जूता यहाँ पर तुमने जो लिया है वो दिख नहीं रहा यहाँ पर, पूरा शूज का कलेक्शन और यहाँ पर टी शर्ट्स वगैरह पैंट वगैरह यहाँ पर आप पैंट वगैरह मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ से देख सकते हैं स्पोर्ट का। ये बिलो 79 है, बिलो 99 है, टी शर्ट वगैरह भी बिलो 99 है और स्पोर्ट पैंट्स आप लोगों को मिलेगा, स्विमिंग कॉस्ट्यूम मिलेगा आप लोगों को। ये तो ये जिम के लिए मिलेगा 99 दिरहम में, जिम के लिए। बैग का कलेक्शन है, स्लीपर तो गाइस ये हो गया है शॉपिंग और ये देख सकते हैं कितने का बिल आ गया है। सो ये 684 का है, पॉपआउट हो गया, कार्ड नहीं चला, कार्ड से पेमेंट करना था, पता नहीं पॉपआउट हो गया कह रहा हूँ, कार्ड से नहीं होना, कार्ड से करना था मुझे, कार्ड में क्यों नहीं हो रहा था, तुमको स्प्लिट कर रहा था क्या बार? हाँ। सो गाइस फाइनली ऑलमोस्ट 2 घंटा शॉपिंग के बाद हम लोग बाहर निकल चुके हैं, अभी बस पकड़ना है हमें और ये काफ़ी सामान तो लेना था यार, सामान लिया, कुछ सामान लिया, 6-7 सामान लिए, प्रोडक्ट लिए, तो मेन जो लेना था वो ले लिया जूता। तो अभी हमें जाना है बस स्टैंड की ओर, तो बस स्टैंड यहाँ से मुझे लग रहा है काफ़ी दूर है। तो कैसा लगा भाई यहाँ पर आउटलेट में आके, तो कैसा आपका कैसा एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट का क्या रेंज वगैरह है? रेंज सही है भाई, अच्छा कलेक्शन, तो मुझे भी काफी अच्छा लगा कलेक्शन वगैरह, कलेक्शन वाइज देखे तो माइंड सेट करके आना होगा कि मुझे ये ब्रांड में ये जूता लेना है, हो जाएगा आराम से, काफी कलेक्शन है यहाँ पर, तो आराम से यहाँ पर आके शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक ही, हम लोगों ने एक ही फ्लोर में ही काफी यहाँ पर टाइम बिता दिया, ऑलमोस्ट 3 बजने को है अभी, तो हमें जल्दी जाना भी है, तो फिलहाल हो गया है शॉपिंग। तो दोस्तों यही था आज के ब्लॉग में अपडेट, तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप अनदर ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपने आप का ख्याल रखें, सी यू गाइस, बाय बाय।